जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो CISF में हेड कॉन्स्टेबल स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई, यहाँ पर आपका क्या है CISF हेड कॉन्स्टेबल 212-15 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए कोई फीस आपको नहीं करना है। फॉर्म स्टार्ट की बात करें तो 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट वाई है, जो 1/8/2023 के हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए, उसके साथ ही आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी होना अति आवश्यक है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊँ, इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है। ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोविंसियल टेस्ट होगा, PST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका अंदर इसमें एग्जाम नहीं है। तो आपको क्या है, ट्रायल टेस्ट वगैरह देकर ही आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। एंड आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसमें सारी चीज़ जो है आपको क्या क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद क्या है आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपने पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आपको आईडी पासवर्ड होने चाहिए। आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एंड आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम यहाँ पर डालना है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा आपका नाम क्या है, उसके बाद आपने नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम डालना होगा एंड वो वेरीफाई करना, वेरीफाई करना आपको दोबारा डालना होगा, वही मदर्स नेम है वो आपको डालना होगा एंड वेरीफाई करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, तो देखिए मंथ पहले आपका मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। यहाँ पे आप घबराए नहीं, ऐसा होता है आप समझे कि यहाँ पे गलत आ रहा है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है वो, आपका क्या है यहाँ पर जो है चेंज है थोड़ा। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको सबसे ईयर डाल देना है एंड आपका मंथ कौन सा है वो मंथ डाल देना है एंड आपका डेट कौन सी है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो आपको क्या है यहाँ पर सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी, वहीं आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी होगी सेम तरीके से ही। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी, उसके बाद आपको जेंडर डाल देना मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा एंड कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या है यहाँ पर आपको दिखाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है एंड उसके बाद नीचे आपको आई एग्री कर लेना है। उसका जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो याद रहे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको गलती नहीं करनी, अगर रजिस्ट्रेशन में गलती करेंगे तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी गलती ना करें, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाए, इसमें कोई भी मॉडिफाई का सिस्टम नहीं होता है। अब ये बात याद रखें, आपको बिल्कुल सही से रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें जो गलती होगी उसमें आप कभी बदलाव नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल सही से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार में सही करना है, गलती नहीं करनी है, गलती है तो आप सही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है एंड दोबारा से आपको वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्पोर्ट एंड वोमेन स्पोर्ट्समैन एंड वोमेन 2023, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है लॉगिन होके आ जाएगा। तो लॉगिन होके आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पूछता है सबसे पहले आपको कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल OBC EWS वो आपको डालना हो, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य डाल देना है, मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा एंड आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। उसका पूछता है नेम ऑफ स्पोर्ट इवेंट अप्लाइड फॉर, आप किस आप जो है आवेदन कर रहे थे, आपका एथलेटिक है, बॉक्सिंग है, किसका आपका गेम है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 800 मीटर का है, कितने मीटर का है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर क्या है नॉर्मली आप सिविल या आर्मी, यहाँ पर सिविल नॉर्मली छोड़ देंगे। वहीं आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है, 12th और इक्विवेलेंट है, वहीं आपको रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपको बुधा पहाड़ी एरिया में तो नहीं है तो वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर उसका आपका पहचान चिन्ह, तो आपके चेहरा पे कोई तिल है, कोई कट है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको स्क्रॉल नीचे कर लेना, आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका
आईडी कार्ड, तो आपको आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, कोई भी है, वो आप अपना सिलेक्ट करके आप नंबर डाल देंगे। वहीं आपका आता है एड्रेस डिटेल, परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में आपका विलेज, हाउस नंबर, पहले सबसे पहले हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड आपका पोस्ट ऑफिस का वो आपको डालना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर डाल देना, आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद नीचे दिखाइएगा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कर लेना, नीचे पूछता आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, न तो आपको नो कर देंगे। उसका पूछता है वेदर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, तो आप अगर एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। उसका पूछता है आपको डाइवर्ट तो नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको किसी आप एग्जाम में डाइवर्ट किया गया किसी इंस्टीट्यूट ने तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसका पूछता है हैव यू डिसमिस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको डिसमिस किया गया किसी जॉब से तो आपको यहाँ पर नॉर्मली नो कर देना है, टर्मिनेट के लिए नो कर देना है एंड आपको यहाँ पर क्या है गेम का रिकॉर्ड देना होगा। यहाँ पर पूछता है आपको अचीवमेंट डिटेल, तो आपको स्पोर्ट में कौन सा इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल स्कूल वो डालना है एंड आपको पूछता है नेम ऑफ द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट का नाम क्या था वो आपको डालना होगा। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, आपका किस प्लेस पे था वो आपको डाल देना है, कहाँ पे आपने दिया था तो वो आपको डाल देना है एंड आपको पूछा है किस डेट से, किस डेट में आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है तो आपको यहाँ पर डाल देना है आपका कब जो है आपका सर्टिफिकेट तैयार हुआ है तो आपको वो डाल देना है एंड आपका कब तक जो है वो आपका चला था कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो आपका कब तक चला था वो आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको अवार्ड डिटेल, तो कौन सा था पार्टिसिपेशन है आपका, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या कोई अदर है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड कोई और भी गेम है तो आप यहाँ पर क्या आपको एड अटाइनमेंट कर लेना है, कोई और गेम है तो दे सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है एंड यहाँ पर पूछता है वेदर द प्रिंट टेकर फोटोग्राफ, तो देखिए ये ऑप्शन 26 नंबर आपको खासकर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको यस करना है तो आपका फोटोग्राफ पे जो है DOP होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ की तारीख है वो फोटोग्राफ की तारीख होनी चाहिए, आप नाम और तारीख दोनों चीज डाल सकते हैं, तो किस तरीके से आपको फोटोग्राफ बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फोटोग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, तो आपको फोटोग्राफ जो है आपका फोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका नाम और DOP होना अति आवश्यक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा फोटो होना चाहिए एंड आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपको यस ही करना होगा। 7 प्रीव्यू कर लेना तो आपका चेक करने के लिए आ जाएगा, बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट कर देना है एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन को लेके आएगा आपका 10th की मार्कशीट, तो आपको 10th की मार्कशीट 1 MB से कम आपको PDF में अपलोड करनी होगी, वहीं 12th की मार्कशीट आपको 1 MB से कम PDF में अपलोड कर देनी है एंड यहाँ पे व्यू करके भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं आपको फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ पे आपका देखिए इस तरीके का फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना होगा, देखिए यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है DOP इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म एग्जैक्ट पास होगा। वहीं आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है एंड 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो फोटो 20 KB से 20 से 50 KB के बीच में, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए एंड यहाँ पे व्यू कर करके चेक कर लेंगे एंड 7 कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फीस के लिए ऑप्शन खोल के आ जाएगा, तो पेमेंट फीस आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। फीमेल है या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।